अगर जो चीज पहले से थी उसको रहने का हक है, जो चीज बाद में आई, जो लोग बाद में आए उनको जाने का ऑप्शन है, तो बिल्कुल और पहले चले जाते हैं, बहुत पहले चले जाते हैं, पार्टीशन से पहले चले जाते हैं, 1400 साल पहले चले जाते हैं। देखिए इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, ये एक जो मेरा चैनल है सबको पता होगा, लोग एज्यूम करते होंगे कि एक न्यूज़ चैनल टाइप का, नहीं ये न्यूज़ चैनल नहीं, तो मैं लोगों की तरह रट्टा मार के वो न्यूज़ नहीं बताने वाला जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। आपको पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि सिर्फ ह्यूमन वॉइस से ही अजान देंगे, लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है, और इस इस्लाम का भी ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है। पहले भी फैसले आ चुके हैं, महाराष्ट्र में फैसले आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक स्टेट तक सीमित है, तो ये फैसला एग्जिस्टेंस में है, मतलब कानूनी तौर पे रोक तो लग गई। अब समझ से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हुए अगले को सिर्फ इतना ही करना है कि लाउड स्पीकर उतार के रख देना है और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करनी है जो हमेशा से चलती आई थी लाउड स्पीकर के इन्वेंशन से भी पहले। किसी को पता ना हो तो मैं बताता हूँ, अब जहाँ से मैंने भी सुना सोर्सेज से मैं भी बताना चाहता हूँ और लोग भी रिलेट करेंगे जिसको पता होगा, कि जब पहली बार लाउड स्पीकर का यूज़ होना था तो देवबंद ने फतवा जारी किया था कि ये शैतान की आवाज़ है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, अब ये शैतान की आवाज़ इनको इतनी प्यारी हो गई, इतनी प्रिय हो गई कि हर गली मोहल्ले में जितने भी मस्जिद हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिद भारत में ही है, तो नाक में दम करने का ठेका इसी शैतान की आवाज़ से उठाया जा रहा है। तो क्या मुसलमानों को इतनी भी शर्म नहीं है कि पहले जिस चीज़ पे खुद ऑब्जेक्शन दिखाया उसको क्यों फॉलो करते हैं? क्या कोई एजेंडा है कि हम सबको परेशान करेंगे इंटेंशनली इतने विवाद होने के बाद भी? दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि इस वीडियो में भी महिला कह रही है जो लड़ने आ रही है कि तुम्हारे यहाँ मंदिर के घंटे बजते हैं, तो लड़की ने पूछा कब बजते हैं, किस टाइम में बजते हैं? भाई मंदिर के घंटे तो लाउड स्पीकर में नहीं बजते ना, सीमित उसकी वॉल्यूम होती है, एक लिमिटेड एरिया तक सुनाई देती है और बहुत धीमे धीमे सुनाई देती है, जिससे किसी को तकलीफ हो नहीं सकती, किसी की नींद हराम तो बहुत दूर की बात है। और अजान जब दी जाती है तो बहुत गला फाड़ के दी जाती है, जिससे नींद हराम होने के ये पहले केसेस नहीं है। लड़की ने बहुत प्यार से बात करने की कोशिश की, लड़की टिकी रही, उसके लिए अगर वो मेरी वीडियो देख रही हो तो उसको बहुत बहुत मैं सलाम करता हूँ, उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, उसकी इस हिम्मत को दाग देता हूँ। वो मॉडर्न दुर्गा कहलाने के लायक है, क्योंकि बहुत लोगों में हिम्मत नहीं है, उसने अपने लड़की होने के बावजूद, मतलब लोग कहते हैं ना कि लड़की है तो कमज़ोर है, उसने प्रूव कर दिया कि लड़कियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं, आवाज़ हर मुद्दे पर हर जगह उठा सकती हैं। क्या हम लोग स्वरा भास्कर जैसी, मैं अब कुछ शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, दो कौड़ी की कह देता हूँ, क्या हम लोग किसी अदाकारा को ही खाली हम लोग अप्रिशिएट करेंगे जो सिर्फ एंटी नेशनल एक्टिविस्ट को ही प्रमोट करते हैं, उनके लिए इनकी आवाज़ उठती है? या हम इन शेरनियों को भी प्रमोट करेंगे जिनका गला ऐसी लीगल एथिकल चीज़ों के लिए भी उठता है कि जो भाई कोर्ट ने मना कर दिया? यार आपको पता है, आपको बहुत एक आयरनी लगती होगी, ये लोग क्या करते हैं, जब अभी CA का प्रोटेस्ट करना था तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ये लोग लेके खड़े थे मंच पे कि हम इसको अवॉइड करते हैं, हम इसको बचाना चाहते हैं और यहाँ पे कानून फॉलो करना है, कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, तो ये उनसे हो नहीं रहा। पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए इस मुद्दे में, एटलीस्ट तब तक जब तक मैंने सुना था, अब का लेटेस्ट प्रोग्रेस मुझे नहीं पता, क्योंकि मीडिया रिपोर्टिंग भी ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि यहाँ विक्टिम हिंदू है तो मीडिया भी थोड़ा सा, चाहे गोदी मीडिया कह लो चाहे नॉन गोदी मीडिया कह लो, सब नरम ही रहते हैं। और जो सो कॉल्ड नॉन गोदी मीडिया इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके लिए तो ये ऐसा है कि अरे हिंदू इंटॉलरेंट हो गया, वो तो तंग करने चला गया मुसलमान को, पीस लविंग मुसलमान को तंग करने चला गया। आप तो, मैं ये नहीं कर रहा कि हिंदू मुस्लिम करो, यहाँ पे बस कोई एक एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करने की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की बात है, कानून कुछ बने हैं, कुछ ऑर्डर्स पास हुए हैं उनको फॉलो करने की बात है, आपसे वो भी नहीं होता।
अरे कुछ भी नहीं फॉलो करना है तो एटलीस्ट अपने ही इस्लाम को फॉलो करते हुए उन चीज़ों का ही ख्याल कर लो जिसको कभी तुमने शैतान की आवाज़ कहा था, आज उसी का इस्तेमाल करके लोगों के नाक में दम किया हुआ है। खैर मैं चाहता हूँ लोग इस पे ज़्यादा ज़्यादा आवाज़ उठाएं, प्रेशर बिल्डअप करें महाराष्ट्र सरकार पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, मुंबई पुलिस पर, इसके अगेंस्ट कार्रवाई हो। ये जो भी लड़की है उसको प्रोटेक्शन दी जाए, अगर वो उस एरिया में रहती है तो जाहिर सी बात उसको बहुत खतरा है। और एक जवाब मैं देना चाहता हूँ अबू आज़मी को, जो भी सोर्सेस कह रहे हैं कि अबू आज़मी का ये कहना है कि पहले से मस्जिद थी, तुम बाद में आई, तुमको चले जाना चाहिए। एक समरी आई है कि उसका यही कहना है, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। अगर जो चीज़ पहले से थी उसको रहने का हक है, जो चीज़ बाद में आई, जो लोग बाद में आए उनको जाने का ऑप्शन है, तो बिल्कुल और पहले चले जाते हैं, बहुत पहले चले जाते हैं, पार्टीशन से पहले चले जाते हैं, 1400 साल पहले चले जाते हैं, 1400 साल पहले चले जाते हैं। भारत की धरती पर कदम कैसे रख दिया इस्लाम ने, कैसे रख दिया? हमने इनवाइट नहीं किया था। अपनी जो विस्तारवादी जो सोच है कि हम जिस धरती पर कदम रख देंगे उस धरती पर इस्लाम नाफिज कर देंगे, और धरती का जो टुकड़ा लेंगे उस पर इस्लाम नाफिज कर देंगे, और जिस टुकड़े पे हम कम बचेंगे वहां सेकुलरिज्म का भीख मांगेंगे, हमें तुम एक्सेप्टेबल नहीं, इस रीजन से। तो जो पहले आया उसको रहने का हक है, जो बाद में आया उसको जाने का ऑप्शन है। मेरी बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई हो कमेंट में सारे लॉजिक्स सारे तर्क दे देना, मैं रिप्लाई करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।